प्रेगनेंसी के दरमियान क्या खाना चाहिए ये बात से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर मदर और उसके होने वाले बेबी के ऊपर पड़ता है। हियर आर सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दैट विल हेल्प यू टू सिलेक्ट फूड एंड ड्रिंक चॉइसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्टीयर क्लियर अल्कोहल। नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल हैज बीन प्रूवन टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका मतलब है कम मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करने से प्रेगनेंसी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ऐसा कोई स्टडी में प्रूवन नहीं है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू अवॉइड द रिस्क ऑफ मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम विच इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ फेशियल एबनॉर्मैलिटी एंड लोअर इंटेलिजेंस इन द बेबी। सो इफ यू आर कंसर्न अबाउट ड्रिंकिंग अल्कोहल बिफोर यू वेर नोइंग अबाउट योर प्रेगनेंसी स्टेटस और यू नीड हेल्प टू स्टॉप ड्रिंकिंग, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर फर्दर गाइडेंस। अवॉइड हर्बल टीज। इफेक्ट ऑफ मेनी हर्ब्स ऑन फीटस इज स्टिल नॉट नोन, तो प्रेगनेंसी में हर्बल टीज लेना अवॉइड करना चाहिए अंटिल एंड अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय योर गायनेकोलॉजिस्ट और मार्केटेड सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कुक एग प्रॉपरली। आपको ये श्योर करना है कि एग को कम्प्लीटली कुक किया जाए जब तक उसका योक एंड वाइट कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हो जाते, क्योंकि पार्शियली कुक्ड और रो एग जो होता है उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड टेकिंग फूड दैट आर मेड अप ऑफ रो और पार्शियली कुक्ड एग, लाइक होम मेड एंगोग, रो बेटर और रो डव। स्किप रेडीमेड मीट और सी फूड सलाड। डू नॉट टेक रेडीमेड मीट सलाड और सी फूड सलाड लाइक हेम सलाड, टूना सलाड और चिकन सलाड। चूज पेस्टराइज प्रोडक्ट्स। मेनी लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आर हेल्दी बट मेक श्योर दे आर प्रिपेयर फ्रॉम द पेस्टराइज मिल्क, बिकॉज अनपेस्टराइज मिल्क कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया दैट कैन कॉज फूड बोर्न डिजीज। अवॉइड सॉफ्ट चीज लाइक ब्रिए, फेटा एंड ब्लू अनलेस देयर लेबल कन्फर्म दैट दे आर प्रिपेयर फ्रॉम द पेस्टराइज मिल्क। अवॉइड टेकिंग अनपेस्टराइज जूस एंड सीडर। Wash fruits and vegetables thoroughly. Always wash raw fruits and vegetables well to remove the harmful bacteria and avoid consuming raw sprouts, moong, alfalfa, clover, radish and sprout beans because it contains harmful bacteria. Limit the caffeine consumption. Caffeine can pass from mother to baby and we don't know the effect of caffeine on the baby. So avoid consumption of caffeine or limit the consumption of caffeine per day to 100 milligrams. So for example, 1 8-ounce of brewed cup coffee contains the 95 milligrams of caffeine, 8 ounce of brew cup tea contains 47 milligrams of caffeine and 12 ounce of cola contains 33 milligrams of caffeine. By following this guideline, you can ensure healthy pregnancy for you and your baby. And for more such information, you can subscribe our YouTube channel.